नमस्कार, सुबह सवेरे की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहमत। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। पटाखों पर बैन होने के बावजूद दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से AQI 400 पार पहुंच गया है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह के समय जहांगीरपुरी में AQI 417, द्वारका सेक्टर में 347, मालवे नगर में 335, आनंद विहार में 331, कनॉट प्लेस में 329, ग्रेटर कैलाश में 319, GTB नगर में 322, मयूर विहार में 322 सहित सभी इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। बता दें कि दिल्ली में बुधवार को औसत AQI 328 रहा, जो दिवाली पर दिल्ली में पिछले 3 सालों से सबसे खराब वायु गुणवत्ता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में दिवाली के दिन आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी, AQI 218 दर्ज किया गया था। देश भर में 31 अक्टूबर को दिवाली धूमधाम से मनाई गई है, लेकिन आज 1 नवंबर को भी कई राज्यों में दिवाली मनाई जाएगी। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर देश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाए जाने का विधान है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मना चुके हैं और अब कुछ राज्यों में दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दिवाली कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:22 से शुरू हो चुकी है और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 5:36 से लेकर 6:16 तक रहेगी। इस दौरान भक्तों को पूजा के लिए कुल 41 का समय मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और उत्तराखंड में दिवाली आज 1 नवंबर को मनाई जाएगी और दिल्ली मुंबई के कुछ हिस्सों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा चुकी है। दिल्ली में दिवाली के मौके पर कई जगह से आग लगने की घटना सामने आई है। रात भर दमकल विभाग की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही हैं। दमकल विभाग को देर रात तक विभिन्न इलाकों से आग लगने की 318 कॉल्स मिली। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में कई घरों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इनमें सबसे अधिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के फ्लैट्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। दमकल विभाग के मुताबिक इन सभी कॉल्स को देखते हुए गाड़ियां भेजी गई थी। जब पूरा देश दिवाली का त्यौहार मनाने में लगा था, तब फायर फाइटर अलग अलग जगहों पर लगी आग को बुझाने में जुटे हुए थे। बहुत मेजर कॉल तो नहीं, पर कॉल काफी। अगर मैं बताऊं, शाम को कल 5 बजे से जब लोग पूजा वूजा शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक करीब 192 कॉल आई और रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लगभग 158। तो आप देखेंगे 300 का आंकड़ा जो है पार हो गया। आप 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आप समझे 12 घंटे में 300 का आंकड़ा पार हुआ। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का देर रात इंतकाल हो गया। 59 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। देवेंद्र सिंह राणा के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। राणा के निधन पर उनके भाई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उससे पहले वे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। नगरोटा सीट पर उनकी अच्छी पैंठ थी। बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार हुआ विधानसभा चुनाव में राणा ने अपना जादू चलाया और पार्टी के खाते में नगरोटा सीट डाल दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी विधायक के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देवेंद्र सिंह राणा के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। दिल्ली के शादरा में दिवाली की खुशियों के बीच मातम छा गया। दरअसल यहां पर एक परिवार पर हमलावरों ने गोलियां चलाई, जिसमें चाचा भतीजे की मौत हो गई। शादरा के फर्श बाजार थाना क्षेत्र की बिहारी कॉलोनी में फायरिंग का मामला सामने आया है। हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमले में 3 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से चाचा भतीजे की मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। 8:30 के आसपास PCR कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाजार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ, जिसकी उम्र 16 साल है, और उसका बेटा कृष, जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी
राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है, हम आगे की जांच कर रहे हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।